हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में जबरदस्त ठंडी पड़ रही है और इस ठंडी में मैं आपको एक बहुत ही हॉट वाला आपको मैं आज वीडियो शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दो पार्ट्स में होने वाला है और सिर्फ पैसा ही इस वीडियो का नाम है। अगर मैं कहूं पैसा माइनिंग, यस दोस्तों, माइनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, माइनिंग जितने भी लोग जो माइनर्स हैं जो कि डिजिटल करेंसी में माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार वीडियो होने वाला। दो पार्ट में ये वीडियो इसलिए आपके लिए होने वाला है क्योंकि पहला तो मैं आपको जो माइनिंग है, माइनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उसके जो मदरबोर्ड, उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड और उसके अंदर जो एक्सेसरीज होते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट इसका वीडियो का ये रहेगा जिसमें कि आप देख पाएंगे कि माइनिंग के लिए सेटअप कैसे होता है। यस दोस्तों, ये जो माइनिंग है, जो डिजिटल करेंसी का जो माइनिंग है, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स है, मैं बहुत समय से सोचा था आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, दो पार्ट्स में रखेंगे, तो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। और माइनिंग बहुत सारे लोग धमाकेदार पैसा मतलब माइनिंग के थ्रू पैसों की कमाई कर रहे हैं, डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। आप भी इससे जुड़ सकते हैं और आप भी माइनिंग से अपना एक बहुत बढ़िया कुछ एक काम चालू कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ लगे रहिए, चिपके रहिए और बिजनेस हंट को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार का जो वीडियो है वो माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ है। पहला पार्ट माइनिंग में जितने भी चाहिए उसके लिए मदरबोर्ड चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ये सारे चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में ये कैसे असेंबल होता है, ये कैसे कैसे किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, बिजनेस हंट से कनेक्टेड रहने के लिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के अंदर हमेशा ही एक नया और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दोस्तों, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और बिल्कुल ना भूलें, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे सामने मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ जो माइनर्स का रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो ये है बायोस्टार का क्रिप्टो माइनिंग, बेस्ट टू क्रिप्टो माइनिंग। जितने लोग भी माइनर्स हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये GW कंप्यूटर्स का पूरा मैं आपको ऑफिस सेटअप दिखा रहा हूँ। पूरा ये जो गोडाउन है, पीछे बहुत गोडाउन है, आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। हमारे साथ सूर्या भैया है, सूर्या भैया सबको हाई कर दीजिए। और इस बार सारा डिटेल आपको सूर्या भाई और निरंजन भाई आपको बताने वाला है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे हैं, क्या है, किस तरीके से, सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना हो गया कि यार मदरबोर्ड तो अपने को करेक्ट सिलेक्शन करना है। बिल्कुल हाँ, मदरबोर्ड का सिलेक्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक बेसिक हाँ, इसके बगैर तो हाँ, इसके बगैर तो कुछ भी काम नहीं। जी जी, घर का बेसिक नहीं बना तो यार दीवार कैसे खड़ी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे बोर्ड्स आपको अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होता है, बट उनपे क्या होता है 100% माइनिंग सक्सेसफुल नहीं होती। ओके okay, तो फर्स्ट okay. आपका जो ऑप्शन होना चाहिए, आपकी मदरबोर्ड आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है जी फॉर माइनिंग पर्पस। जी अभी जैसे सपोज आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, दिस इज बायोस्टार TB360 BTC Pro। जी ओके फ्रेंड, और इसमें आप देखोगे इसके ऊपर ऑलरेडी BTC मेंशन है जी, एंड दिस मदरबोर्ड इज कम्प्लीटली रेडी फॉर माइनिंग। जी जी, मेजर इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। जी जी, इस मदरबोर्ड का ब्रोशर है। जी जी, और ये डिस्क है, डिस्क का यूज वैसे होता नहीं इसमें। दिस इज साटा केबल, ओके, एंड दिस इज बैक प्लेट। एंड फ्रेंड, दिस इज मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है, आपको थोड़ा सा देखना है इस पे कि ये बेसिकली PCI-16 है एंड दिस इज मिनी PCI। तो टोटल आप कंबाइन करोगे तो इन सब पे ग्राफिक कार्ड लगता है, और ये इस मदरबोर्ड पे टोटल 12 ग्राफिक कार्ड सपोर्टेड है। अच्छा ठीक है, तो एक मदरबोर्ड पे आप 12 ग्राफिक कार्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, और मेन इस मदरबोर्ड में हाईलाइट क्या है, इसमें दो स्लॉट मिलते हैं आपको ATX फॉर दो अलग अलग पावर सप्लाई को सिंगल बोर्ड पे कनेक्ट करने के लिए। ओके, नॉर्मल बोर्ड्स में क्या होता है आपको ये सिंगल स्लॉट मिलता है। ओके, तो सिंगल स्लॉट में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको दो सप्लाई को सेम टाइम पे आपको शॉर्ट करना होता है। अच्छा, तो कभी एक सप्लाई नहीं चली,
या फिर उस सप्लाई से कार्ड ऑन नहीं हुए वन टाइम में तो फिर क्या होता है, आपको अगेन रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये मदरबोर्ड का मेन फीचर है कि दो मल्टीपल पावर सप्लाईज को सपोर्ट करता है एंड दोनों सप्लाईज को सेम टाइम में ऑन करता है, ऑन करता है। मार्केट में आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है जो दो इस टाइप का आपको कन्वर्टर मिलेगा और दो सप्लाईज को आपस में कनेक्ट करता है। बट दिस इज नॉट ए 100% सक्सेसफुल। ये मदरबोर्ड 100% सक्सेसफुल मदरबोर्ड है एंड ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो डिजिटल करेंसी उसके लिए बना है। बॉस, इस मदरबोर्ड का जो बायोस भी कंपनी ने इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है जी। इसका मदरबोर्ड का जो बायोस है वो भी फॉर माइनिंग के लिए डिजाइंड है। अच्छा, क्योंकि कार्ड्स में क्या होता है, इसके अंदर आपको 4GB डिकोडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। कि ग्राफिक कार्ड आप बड़ा लगा रहे हो 4GB से तो आपको इसको इनेबल करना होता है इन आपको विंडोज के लिए। आज के टाइम में क्या दो सॉफ्टवेयर यूज होता है माइनिंग के लिए, फर्स्ट इज HiveOS एंड सेकंड इज विंडोज। तो जब आप HiveOS यूज करोगे तो उसमें आपको मदरबोर्ड के बायोस में कोई चेंजेस नहीं करना होता है। बट एक ऑप्शन और होता है इस मदरबोर्ड के अंदर कि जस्ट सपोज माइनर का गया, माइनर को 24/7 मशीन को ऑन करना होता है, ऑन करना होता है, राइट, करेक्ट ना। तो मशीन कल को रात में चल के बंद हो गई, राइट, तो यार बंदा रात के 2 बजे तो ऑन करने नहीं आएगा। तो इसमें एसी का भी ऑप्शन होता है जिसको बायोस में आपको इनेबल करना होता है। देन लाइट कभी भी आएगी तो मशीन आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैनुअली स्टार्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और इस मदरबोर्ड को आपको 110% आपको इसी मदरबोर्ड को यूज करना चाहिए। आज के टाइम में ये मदरबोर्ड हमारे पास पहले भी इसमें आता था, दिस इज TB250। बट वो एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। उस मदरबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था कि उसमें सिंगल ATX पोर्ट अवेलेबल होता था और इसमें ड्यूअल पोर्ट अवेलेबल, ड्यूअल पोर्ट अवेलेबल। उस मदरबोर्ड का लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन है और ये मदरबोर्ड 8th generation 9th generation CPU को सपोर्ट करता है। अच्छा, वो मदरबोर्ड अपना TB256 और 7 को सपोर्ट करता था। तो मार्केट में इस मदरबोर्ड को अपग्रेड किया गया फॉर माइनिंग पर्पस। और ये मदरबोर्ड मैं आपको 100% इसी मदरबोर्ड का रिकमेंड करूंगा, दूसरे मदरबोर्ड के साथ आप मत जाओ। आपको प्रॉब्लम आएगा माइनिंग करते हुए और आपको 100% आपको इसी मदरबोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। और ये मदरबोर्ड आपको GW में अवेलेबल होगा। तो निरंजन भी आए, ये तो था अपन मदरबोर्ड के बाद। अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि और इसके साथ क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए एक माइनर्स को, थोड़ा ये भी डिटेल में बताइए। आपका करेक्ट चॉइस हो गया मदरबोर्ड का, जी जी जी। देन उसके बाद से आपको सेलेक्ट करना आपको पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई में क्या होता है यार, आपने छोटा सप्लाई लगा लिया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है सबसे बड़ा, यार एक पोर्ट के ऊपर आप दो कार्ड लगाते हो जी, देन पोर्ट जल जाता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, करेक्ट, तो सबसे करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, राइट, ठीक है ना, राइट। ये बेसिकली हमने यूज किया है कूलर मास्टर 1050 वॉट का पावर सप्लाई है जी, जी। और आप इसमें चेक करोगे ये कंपनी आपको 10 साल का वारंटी प्रोवाइड करता है, करेक्ट। और ये AT+ Gold ग्रेड का पावर सप्लाई है, करेक्ट करेक्ट। ये सर्टिफिकेशन होता है जो कंपनीज के पास होता है, कंपनीज के पास, और AT+ Gold सर्टिफाइड ये पावर सप्लाई है जी, जी। तो यार अगर आप जस्ट सपोज आप 6 कार्ड लगाते हो बाजार में, आपको बहुत कस्टमर रिकमेंड करेंगे कि नहीं यार 650 वाट की आप 2 सप्लाइयां लगा लो, बट वो सप्लाईज माइनिंग के लिए रिकमेंड नहीं होती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मार्केट का है। मार्केट में क्या होता है कि लोग थोड़े से अपने सुविधा और अपने कमाई के लिए जो है कस्टमर को कंफ्यूज कर देते हैं। अपन चाह रहे हैं कि जो कस्टमर आए वो प्रॉपर और प्रॉपर चीज उसको मिले। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है भाई। इसी चीज को जो है प्रॉपर वे में आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कहाँ किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहिए जिससे कि आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं, इतने समय लोग क्या है कि थोड़ा सा देखता है सुविधा कि यार मुझे थोड़ा सस्ता कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली हाँ। उस चीज का ध्यान बाद में रखता है कि यार मेरे को सही चीज कहाँ से लेना है। अभी जो अपन निरंजन भाई जो आपको चीज बता रहे हैं वो इसी चीज को प्रॉपर वे में बता रहे हैं कि हमें लेना क्या चाहिए, कैसे, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जैक्टली हाँ, यही अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाना। एक चीज और मैं आपको एक ऐड ऑन कर दूं, यार जितने भी स्टार्टअप माइनर है उनका प्लान क्या होता है कि यार अभी हमें आप एक कोई सा भी एक छोटा मदरबोर्ड लगा के दे दो और एक बेसिक सा सप्लाई लगा लो, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। बट बॉस आफ्टर 6 मंथ क्या आपको पावर सप्लाई भी चेंज करना पड़ेगा, आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे दोस्तों सबसे बेसिक आपको क्या करना है ना कि आप दो चीजें तो यार अच्छी क्वालिटी का लेके चलो कि बाद में आपको ना अपग्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम ना हो। दुकानदार आपको सजेस्ट कर देगा, सारी चीजें कर देगा। जैसे सपोज आपने छोटा सप्लाई ले लिया, बाद में आपने सोचा यार अभी तो मैं 1660 सुपर यूज कर रहा हूँ, बाद में इसे ऊपर कार्ड लगाता हूँ या मल्टीपल में मैं बाद में और कार्ड लगाऊंगा, तो वो क्या होगा,
पावर सप्लाई सपोर्ट नहीं करेगी, राइट, क्योंकि पावर सप्लाई में लिमिटेशन है। वो चीज आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। और आपको मदरबोर्ड भी वही लेना है। अभी आप ये मदरबोर्ड आप यूज करो, एक कार्ड अभी आप लगाओ फॉर फर्दर स्टार्टअप। बाद में क्या होगा, जब आप इसमें मल्टीपल कार्ड्स को आप एड ऑन करोगे तो आपको मदरबोर्ड और पावर सप्लाई आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई। एक कि एक बार जो खर्चे पा लिया आपने, हाँ, जो इन्वेस्ट कर लिया, वो क्या है, जो नेक्स्ट टाइम में आप ले रहे हो तो जो पहले वाला है आपका वो खराब हो जाता है। वो जितना भी पैसा आपने लगाया वो बेकार जाता है, बेकार जाता है। लेकिन अगर आप एक बार में थोड़ा सा बढ़िया चीज ले लिया जो आपको पता है कि हमें आगे क्या करना है, तो उसके लिए क्या है, जो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो उसी समय प्रोडक्ट को चेक करके प्रॉपर वे में सही जगह पे जाए, इन्वेस्टमेंट आपका सेफ रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ। इसमें आरबेक्स ब्रांड का हम इसके अंदर M.2 यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मदरबोर्ड है लेटेस्ट है और ये ऑलरेडी ये मदरबोर्ड M.2 स्लॉट को सपोर्टेड करता है। तो मेजर आपको पता ही होगा कि यार M.2 आज के मार्केट में लेटेस्ट SSDs हैं जिनका रीड और राइट के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ओके, बूट के अंदर आपको बहुत कम टाइम लेता है ये OS को बूट करने के लिए। ओके, क्या है, एंट्री लेवल माइनिंग के अंदर क्या होता है कि अपने को रैम के अंदर ना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जी जी। तो अबी हमने फिलहाल वैसे 8GB यूज किया है, बट 4GB रैम भी इसके अंदर सफिशियंट है। अच्छा, हाँ, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, और फॉर माइनिंग ना कभी भी आपको ज्यादा नेट का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। बिकॉज ये जब आप इसको 1 month भी अगर आप इसको यूज करते हो तो विद इन 1 month ये हार्डली 2 या 3 GB ही डेटा कंज्यूम करता है। Okay. तो बहुत सारे यार एंड कस्टमर को ये प्रॉब्लम रहता है कि यार नेट हमें इतने MBPS का डेटा चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक प्रॉपर आपको इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत होता है। अच्छा। और मेजर आप ट्राई करो कि आप उसको लैन केबल पे ही आप नेट यूज करो, वो ज्यादा डोंगल वगैरह आप यूज मत करो, क्योंकि बैंडविड्थ में वो डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा आता है, कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता। ओके ओके, ठीक है। और देन हमने इसके अंदर प्रोसेसर यूज किया है, दिस इज कोर i7 9th generation तो फ्रेंड वैसे हमने इसमें i7 यूज किया है जी, क्योंकि अभी क्या है कि कस्टमर के पास ये ना स्टॉक प्रोसेसर अवेलेबल था। ओके, ठीक है, ये प्रोसेसर ये कस्टमर का है। ओके, उसने हमसे बाई नहीं किया, बट इसमें जो रिकमेंडेड होता है ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर i7 यूज करना है। ओके, एंट्री लेवल डुअल कोर इज सफिशियंट फॉर माइनिंग। अच्छा, हाँ, उससे बड़ा आपको प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई आपको बोले आप i3 लगा लो i5 लगा लो, मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है डुअल कोर तो आप हार्डली आप i3 के ऊपर जा सकते हो। ओके, बस उससे ऊपर आपको प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा, कई लोग तो बिल्कुल एकदम हाई ग्रेडेड अपग्रेड, क्योंकि बस i7 ही चाहिए, ऐसा कुछ उनका हिसाब किताब रहता है। बहुत जगह फॉर माइनिंग ना हमें बेसिकली प्रोसेसर का कोई भी नीड नहीं होता। अगर आप कल को अगर आप विंडोज में भी अगर आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हाई वॉयस में और विंडोज के अंदर दोनों में आपको हाई एंड प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको हमेशा ही ट्राई करना है कि आपको एंट्री लेवल प्रोसेसर मिले। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अभी है थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड का भी डिटेल बता दो। तो बस देखिए, अभी क्या है कि अभी हम लोग इसके अंदर 3060 Ti यूज कर रहे हैं जी। ब्रांड इज गैलेक्स। ओके, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो इसमें क्या होता है यार, जो सस्ता चीप एंड बेस्ट मिले, क्योंकि चिपसेट तो NVIDIA का ही है, वो भी इसको सिर्फ सिंगल कार्ड ही चाहिए, इसलिए भी हमने सिंगल यूज किया हुआ है। ओके, और मिनिमम इससे नीचे आप 1660 सुपर से आप स्टार्ट कर सकते हो अप टू 3090। अच्छा, कार्ड टू कार्ड में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कार्ड का अपना डिफरेंट डिफरेंट हैश रेट होता है। तो कस्टमर का जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको भैया कार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मिनिमम जो माइनिंग के लिए जो कार्ड्स है, फॉर अगर आप इथेरियम कॉइन अगर आप माइन करते हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 1660 सुपर आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सारा कुछ जो माइनर्स को चाहिए, भैया ने, निरंजन भाई ने आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और धर्मेंद्र भैया थोड़ा बता दीजिए कि अब किसी को सामान चाहिए, धर्मेंद्र भैया का डिपार्टमेंट है, तो उनके लिए क्या करना है अगर किसी को चाहिए तो? ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास इन हाउस पड़े होते हैं, स्टॉक होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। अगर किसी को भी चाहिए तो आप हमसे कैसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नाम आपको नंबर आपको मिल जाएगा इस पे वीडियो के बाद, और कॉन्टेक्ट करके हम यहाँ से आपको कोरियर लगा देते हैं। यहाँ से पूरी इंडिया में हम सप्लाई करते हैं, बहुत जगह हमने अभी तक ये काम किया भी है, बहुत जगह सप्लाई भी किया है,
और कोई लोकल है तो उसको हम यहाँ पे हम सेटअप करके भी देते हैं पूरा की पूरा। और बाहर किसी को चाहिए जो पार्ट चाहिए कुछ भी चाहिए इसके लिए इसके रिगार्डिंग माइनिंग के रिगार्डिंग तो वो पार्ट हम कोरियर के थ्रू डिस्पैच करते हैं। तो दोस्तों रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए बिजनेस हंट से कनेक्टेड रहने के लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के अंदर हमेशा ही एक नया और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दोस्तों, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और बिल्कुल ना भूलें,